बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने हिदायत की है कि जब फैसला सुनाया जाए उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। आरोपियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी मार्गदर्शक मंडल के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती खास तौर पर शामिल हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में हाजिर रहने की हिदायत की है। सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया है कि प्रोसिक्यूशन और बचाव पक्ष दोनों की बहस 1 सितंबर को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद जज ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और 600 दस्तावेजी सबूत अदालत के सामने पेश किए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला 28 साल बाद आ रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को आरएसएस और बीजेपी नेताओं द्वारा जोश दिलाए जाने के बाद कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया था। अंजरुल बारी, फ्रीडम एक्सप्रेस, दिल्ली।